राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर में राज्य स्तरीय अंतर बहुतकनीकी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील वर्मा ने किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में 14 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों से लगभग 175 महिला खिलाड़ी भाग ले रही है, जिनमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने मुख्य अतिथि और खिलाड़ियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से अनुशासन में रहकर खेल खेलने का आह्वान किया। पहले दिन के खेल में टेबल टेनिस में तलवाड़ ने चंबा को 2-0 और सुंदरनगर ने लाहौल स्पीति को 2-0 से हराया। वहीं वॉलीबॉल में हमीरपुर ने अम्बोटा को 2-0 से, सुंदरनगर ने कुल्लू को 2-0 से, बिलासपुर ने पौंटा साहिब को 2-0 से और किन्नौर ने लाहौल स्पीति को 2-1 से हराया। जबकि बैडमिंटन में पौंटा साहिब ने लाहौल स्पीति को 2-0 और कुल्लू ने बिलासपुर को 2-0 से हराया। लोग कहते हैं स्पोर्ट्स इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट आई से स्पोर्ट्स इज इटसेल्फ एन एजुकेशन, बिकॉज आप स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन सीखते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं, जो मैनेजमेंट में स्वेट एनालिसिस आपको सिखाया जाता है, वो स्पोर्ट्स में भी आप लोग हर गेम में, हर अपनी गेम में अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है। मेरे जीवन में खेलों का बहुत महत्व रहा और मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने को खेल के मैदान से दूर नहीं रख पाया। फुटबॉल की हम ऐसे खड़े रहेंगे कि मेरे को अपॉर्चुनिटी आएगी, मैंने अच्छे नंबर लिए हैं, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छा हूं, कोई आके मेरी प्रशंसा कर लेगा। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, देन यू कैन शो योर परफॉर्मेंस, देन यू कैन विन, और इफ यू लूज देन अगेन यू लर्न सो मैनी स्किल्स। जिसमें सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो वो डिसिप्लिन सीखता है, पंक्चुअलिटी सीखता है, एक भाव खेल के माध्यम से रहता है कि कैसे हमने मिलकर लड़ना। तो ये सारे का सारा खेल के माध्यम से होता है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान ने जो 55 बरस का सफर तय किया और इस सफर के दौरान इस संस्थान ने बहुत से अधिकारी दिए, ना कि हिमाचल स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान का नाम उन्होंने ऊंचाइयों पर लेके। इसके लिए मैं इस पाठशाला के, इस बहुतकनीकी संस्थान के सभी जो पूर्व में अधिकारी रहे, प्रधानाचार्य रहे या कर्मचारी रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तथा वर्तमान में भी मैं दिनेश शर्मा जी को भी बधाई देता हूं। जिस तरह से कांगड़ा में जो प्रतियोगिता हुई उसमें ओवरऑल जो चैंपियन रहा वो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर रहा, इसके लिए भी इनका स्टाफ और ये बधाई के हकदार हैं।